अगर तू ना उठा तो कोई और उठेगा, अगर तू नहीं सोचेगा तो कोई और सोचेगा, अगर तूने नहीं किया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। जिस सपने को तू आज देख रहे वो सपना पूरा जरूर होगा, बस फर्क इतना होगा कि आज अगर तूने पूरा न किया तो कल और कोई सपना देखेगा और उसे पूरा करेगा। फिर हाथ मलते रह जाओगे तुम, पछताओगे तुम, पछताओगे ये सोच सोच कर कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, ऐसा आइडिया तो मेरे दिमाग में भी था, काश कि मैंने शुरू कर दिया होता तो आज मैं उसकी जगह पर होता, आज मेरी लाइफ अलग होती, आज लोग मुझे पहचानते, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। जब तुम ऐसा सोच रहे होंगे ना, तब तुम जिंदगी की एक और गलती कर रहे होंगे। यकीन मानो ये गलती तुम्हारी पहली वाली गलती से भी ज्यादा बड़ी होगी। जानना चाहते हो कौन सी गलती? तुमसे जो हो रही होगी, तुम अपने पास्ट के बोझ को अपने कंधों पर लेकर ढो रहे होंगे, क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन गई। आज भी तुम आज में नहीं जी रहे हो, तुम जी रहे हो पास्ट में, आने वाले कल में भी, आने वाले कल में भी तुम यही करोगे। आज तुम उन गलतियों के बारे में सोच रहे हो जो तुमने बीते हुए कल में की थी, और आने वाले कल में तुम उन गलतियों के बारे में सोचोगे जो तुम आज कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, गलती पे गलती करना बंद करो, रोना धोना बंद करो, पछताना बंद करो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना तो आज और ना ही कल। उठो, जागो और अपनी नींद को त्याग दो। जो सपने पीछे छूट गए हैं उन्हें छोड़ दो, जो तुम्हें मिस कर दिया उसे जाने दो। जैसे एक गाड़ी निकलने के बाद हम दूसरी गाड़ी पकड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही मौका तुमसे छूट गया उसे जाने दो, और जो मौका आ रहा है उसे पकड़ कर इस बार मिस मत करना, वरना सारी जिंदगी प्लेटफॉर्म पर बैठ रह जाओगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि वक्त के पैर नहीं होते, ना ही उसके शरीर पर कपड़े होते और ना ही उसके सर पर बाल होते, बस एक छोटी सी चोटी होती, वो भी माथे पर आगे की तरफ। अगर तुम्हें उस वक्त को पकड़ना है तो तुम उसे पीछे से नहीं पकड़ सकते, उसे पकड़ने का बस एक ही तरीका है, वक्त से पहले उस वक्त के आगे जाकर खड़े हो जाओ, उसे उसके आने उसे उसके आगे वाले बालों को पकड़ लो। इसलिए दोस्त, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके आने से पहले पकड़ने की तैयारी कर। सपने जो आज तुम देख रहे हो इन्हें तुम खुद पूरा करो, किसी और के लिए मत छोड़ो। दुनिया तो तैयार बैठी है दूसरों के सपनों को, दूसरों के विचारों को अपने नाम करने के लिए। अगर दोस्तों आपके दिल में, अगर आपके दिमाग में आग लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना।